दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल की तर्ज पर फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौच में ऑल इंडिया मेडिकल 2007 में पास हुआ था, जिसे आज तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन 13 साल बीत जाने के बाद भी आज तक ऑल इंडिया मेडिकल यहां नहीं बन पाया है। आखिर इस ओलिया मेडिकल के नाम बनने के पीछे क्या राजनीति और क्या प्रशासनिक कारण है, इसके बारे में तो राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी ही साफ तौर पर बता पाएंगे। खाली पड़ी दिखाई दे रही यह एकड़ की जमीन फरीदाबाद को फतेहपुर बिल्लौच की है, जहां पर 2007 में ऑल इंडिया मेडिकल बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था। काम होता दिखाई देने पर लोगों के हस्तक्षेप के बाद 2013 में इसकी केवल करोड़ों रुपए लगाकर बाउंड्री की गई, लेकिन इसके बाद किसी ने इसकी तरफ पलटकर नहीं देखा। ग्रामीणों ने मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, डॉक्टरों से लेकर डायरेक्टर तक इसे बनाए जाने की गुहार लगाई, लेकिन 13 साल बीत जाने के बाद भी ऑल इंडिया मेडिकल नहीं बना। अब इसके ना बनने से फतेहपुर बिल्लौच के लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। वार्ड नंबर 7 इस क्षेत्र का जिला पार्षद हूँ। जहाँ तक मेरी नॉलेज में ये अफवाह है कि यह हॉस्पिटल जा रहा है, लेकिन हम जो देखते हैं कि फतेहपुर बिल्लौच एक ऐतिहासिक कस्बा है। आज से 50 साल पहले तिगाम, बल्लभगढ़, मोहना सब यहाँ से सामान ले जाते थे। आज हमारा गाँव या कस्बा इतना पिछड़ा हुआ है कि सरकार की कोई नजर इस कस्बे के ऊपर नहीं है। हम ये देखते हैं कि पूरा गांव हमारा 36 बरादरी का गांव है। आज इकट्ठे हुए, आज किस वजह से इकट्ठे हुए? हम ये जो एम्स के लिए 6 किला जगह दी है, ये हमारा हॉस्पिटल बनने के लिए दी थी। इसमें 2 साल पहले एम्स से खबर मिली कि भाई हमारे ट्रक वगैरह जाने के लिए रास्ता नहीं है। उसमें हमने MLA साहब को रिक्वेस्ट की और 20 लाख रुपए दे के ये सड़क बनवाई गई। उसके बाद भी काम चालू नहीं है, सुस्त पड़ा है काम। हम ये चाहते हैं ये बात जो है ऊपर तक पहुंचे। राजनीति में सबसे बड़ी बात है कि कागज नीचे रह जाते हैं, ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमने कहा था मंत्री जी से, मंत्री जी ये जो है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं इस सत्र में इसको पास करवा दूंगा। तो 220 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। तो क्या अब तक बन के कोई तैयार हुआ इसमें? नहीं, अभी तक नहीं, बाउंड्री वाली है, कुछ नहीं हो रहा है, जंगल पड़ा हुआ। कहीं ना कहीं चल रही है बातें, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल को कहीं और शिफ्ट करने की बात नहीं, ये बातें अफवाहें हमने सुनी है। वैसे कोई ऐसी खास वो नहीं है खबर, लेकिन ये अफवाहें हैं कि चंदावली जा रहा है हॉस्पिटल। और राजनीतिक गलियारों में हो सकता है, आजकल पैसे की पूछ है। वहाँ की पंचायत पे 250 करोड़ रुपए है, पीछे भी 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी को दिए थे। अब मुख्यमंत्री जी एक उद्घाटन करके पैसे की बात है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये हमारा हॉस्पिटल बनाया जाए। 25-30 गांव का कस्बा है, यहाँ इतने लोग जो है लगते हैं। यहाँ से बल्लभगढ़ 13 किलोमीटर है, दयालपुर 7 किलोमीटर है, मोहना 12 किलोमीटर है। यहाँ हॉस्पिटल बनना बहुत जरूरी है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी डॉक्टर जगदीश। डॉक्टर जगदीश जी, पूरा गाँव इकट्ठा हुआ पड़ा है, क्या मैटर है, क्या मामला है? हमारा एम्स का हॉस्पिटल पास हुआ जी, पहले हरियाणा सरकार से पास हुआ, लेकिन हमारी जैसे गांव बस्ती का दबाव पड़ा, एम्स ने अपने अंडर ले लिया। एम्स ने 2013 में बाउंड्री वॉल कर दी 1 करोड़ रुपए लगा करके, और 13 के बाद हमारे पास काफी अखबारों की कटिंग है। सभी एम्स वालों ने ये कहा है कि भाई हम इसको 2015 में कंप्लीट तैयार कर देंगे, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। एम्स के डायरेक्टर के पास ही मिल के आए, MLA साहब भी मिल के आए, हम भी मिल के आए, लेकिन हमारे गांव में कोई सुध नहीं है एम्स के हॉस्पिटल के बारे में। 2020 भी समाप्त होने वाली है। हाँ। तो क्या अब तक कहां तक प्रोसेसिंग पहुंची है इसकी? कहीं भी कुछ नहीं है। 2020 के बाद कितने लेटर लिख चुके हैं हम, मुख्यमंत्री जी को भी लिख चुके हैं, प्रधानमंत्री जी को भी लिख चुके हैं। प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा हमने 10/8/20 में, 10/8/20 के बाद अब तक हमारे पास कोई जवाब नहीं है। उधर से कोई भी जवाब नहीं है? जवाब नहीं है अभी भी। तो अब जैसे गांव सारा इकट्ठा हुआ पड़ा है, अगर अब भी सरकार नहीं सुनती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? धरना भी देंगे, प्रदर्शनी भी करेंगे, और मरण आसन भी करेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे। नहीं, हम मरण आसन भी करेंगे, हमें हॉस्पिटल चाहिए, किसी कीमत पे भी बने हमारे यहाँ। तो कुछ कारणों का पता चल पाया कि किन कारणों से नहीं बन पा रहा है? कुछ भी कारण नहीं है जी, डायरेक्टर साहब से बात हुई हमारी, एम्स के डायरेक्टर से, उन्होंने ये बोला कि भाई मेरे पास 22 करोड़ रुपए आए पड़े हैं, 2220 रुपए का करोड़ का प्रोजेक्ट है जो कि संसद पास करेगी, वो बजट हमारा पास नहीं हो रहा, इस वजह से ये काम पूरा नहीं हो रहा। ओमपाल में जबा गांव से हूँ। ओमपाल जी, गांव आज फतेहपुर बिल्लौच की बाउंड्री वॉल के पास पहुंचे हैं, क्या है सारा मामला, किस वजह से जनता आज पहुंची? ये काफी लंबा समय, 10 से 12 साल होने को आ रहे हैं। ये प्रोसीजर को 2007 में पास हुआ था,
8 में इसकी बाउंड्री हो गई थी, 1 करोड़ रुपये समथिंग लगा के पैसा। और यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है आम जनता की बहुत बहुत ज्यादा कमजोर है। यहाँ आम तबका के जो लोग हैं बेचारे, सब पे अपने अपने इतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कर सकें। यहाँ के जो गरीब लोग हैं सब पे अपना संसाधन नहीं है, तो सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि हमें जो ये एम्स हॉस्पिटल दिया था, हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं सरकार से कि हमें ये दिया जाए, जल्द से जल्द इसका काम पूरा हो। अगर इसका काम जल्दी से जल्दी नहीं पूरा होता है तो हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, किस भी हद तक जाना पड़े, हम अपनों के लिए ये कहीं से रोड पर जाना पड़े या रेलवे स्टेशन पर जाना पड़े, हम अपने क्षेत्र की आवाज़ CM तक PM तक पहुंचाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो कहीं ना कहीं किस वजह से लेट हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ कारण? देखो, इस राजनीतिक मुद्दे के बारे में हमें तो इतना पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि हमें हॉस्पिटल दिया जाए बस। तो कहीं ना कहीं ये भी राजनीति चलाई जा रही कि इस हॉस्पिटल को चंदावली शिफ्ट करने की कोई बात आ रही है, तो कहां तक? नहीं, हमारा ऐसे कोई नॉलेज में आया नहीं है कि हम तो यही है कि आज स्थिति देखो इसकी, इसमें झाड़ियां खड़ी हुई हैं बहुत सारे और अपना कीकर खड़ी हुई है। आज कोई भी, जब से ये स्टार्ट हुआ है 1% भी काम हुआ नहीं है, केवल बाउंड्री वॉल हुआ है और इसका इसमें गेट लगा हुआ बस। क्षेत्रीय नेताओं की अगर बात की जाए तो नेताओं का कितना सहयोग है इसको यहाँ पे बनवाने में? कितना नेता का सहयोग रहा है, जभी तो आया ये। लेकिन थोड़ा सहयोग हो जाता तो इसमें आज बिल्डिंग खड़ी हो जाती। हमारे बुजुर्ग भी है, माता बहन है, जो बहुत लंबे समय से हम अगर एम्स हॉस्पिटल में जाते हैं 2 बजे भी खड़े होते तो शायद हमारा नंबर नहीं आता।